हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, पैरामीटर्स देखेंगे, बाइलेटरल सर्किट, यूनिलेटरल सर्किट, ब्रांच, लूप, मेस, तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बेसिक है किसी भी सर्किट के लिए जानना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है सर्किट। सर्किट किसको बोलेंगे? ए सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। क्या होता है सर्किट? ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करेंट आइदर फ्लोज और इज इंटेंडेड टू फ्लो। सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होता है। ठीक है। सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट इन इट। सर्किट में क्या होगा? एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दोनों होगा। एक्टिव एलिमेंट जैसे कि वोल्टेज सोर्स हो गया, पैसिव एलिमेंट में हो गया रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है? सर्किट है। इसको हम लोग बोलेंगे सर्किट। सर्किट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ। देखिए ये क्लोज पाथ है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो। तो ये क्या है? क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जिसे इलेक्ट्रिक करेंट जो है फ्लो करेगा। क्लोज पाथ है, जितना भी एलिमेंट सर्किट में यूज होता है उससे इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सर्किट और नेटवर्क में अंतर समझिए। तो कह रहा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट। नेटवर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट। इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। कनेक्टेड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इसमें जरूरी नहीं है सर्किट जो होगा सर्किट क्लोज पाथ होगा, ठीक है, वही नेटवर्क जो है क्लोज पाथ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, और ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है? क्लोज पाथ नहीं है। जो जितना भी एलिमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क में उससे करंट फ्लो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन सर्किट में क्या होता है? जो भी एलिमेंट है उससे करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा और नेटवर्क क्या होगा? वो एलिमेंट्स का कनेक्शन आता है, वो जरूरी नहीं है जो क्लोज पाथ होगा ही। तो देखिए ये नेटवर्क हो गया, ये सर्किट हो गया। नेक्स्ट है पैरामीटर्स, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका वेरियस जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, जैसे कि रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या होगा? ये आपका पैरामीटर हो गया किसी भी सर्किट का, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर सर्किट। तो लीनियर सर्किट क्या होता है? लीनियर सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसका पैरामीटर जो है कॉन्स्टेंट होता है टाइम के साथ, और जब आप करंट और वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके पैरामीटर में चेंजिंग नहीं आता है, और ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जो लीनियर सर्किट होगा वो क्या करेगा? ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लीनियर सर्किट क्या करेगा? ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ए लीनियर सर्किट इज वन हूज पैरामीटर आर कॉन्स्टेंट विद टाइम। टाइम के साथ क्या होगा? उसके पैरामीटर कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड ऑल्सो दे डू नॉट चेंज विद वोल्टेज और करेंट। और जब आप वोल्टेज और करेंट अप्लाई करते हैं तो उसके पैरामीटर में चेंजिंग नहीं आएगा, और ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। वही नेक्स्ट है नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होता है। जब वोल्टेज और करंट अप्लाई किया जाता है तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता है, ऐसे सर्किट को हम लोग नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं, और नॉन लीनियर सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे? इट इज दैट सर्किट whose properties or characteristics are the same in either direction. कह रहा है bilateral circuit एक ऐसा circuit होता है जिसका properties या characteristics बोलिए वो जो है same होता है दोनों direction में, either direction में same होता है। जैसे resistor, resistor को आप इस तरह से connect कीजिए या फिर terminal को change कर दीजिए, properties उसका same रहेगा। transmission line, transmission line का दोनों either दोनों direction में जो है properties same होता है, तो ये सब bilateral circuit में आ जाएगा। वही यूनिलेटरल सर्किट है। तो यूनिलेटरल नाम से क्लियर है, बाय मींस दोनों डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। यूनिलेटरल मींस एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी उसका अलग और तो दूसरे डायरेक्शन में अलग, ठीक है। तो यूनिलेटरल सर्किट क्या बोलेंगे? इट इज दैट सर्किट हूज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट इन बोथ डायरेक्शन। कह रहा है यूनिलेटरल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका जो है प्रॉपर्टी जो है दोनों डायरेक्शन में अलग होता है। जैसे डायोड का, डायोड में करेंट जो फ्लो करता है वो एनोड टू कैथोड पड़ता है, फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड, एनोड फ्लो नहीं करता है। मींस दोनों का प्रॉपर्टी जो है ये हो गया एनोड और इधर हो गया कैथोड,
तो करंट जो है एनओ टू कैथोड फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड फ्लो नहीं करेगा, मींस प्रॉपर्टी जो है अलग हो जाएगा, एनओ टू कैथोड का प्रॉपर्टी अलग, कैथोड टू एनोड का प्रॉपर्टी अलग। तो ये हो गया यूनिलेटरल एलिमेंट। नेक्स्ट है पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क किसको बोलेंगे? पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। पैसिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि जस्ट लाइक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। मींस पैसिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें वोल्टेज सोर्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क इज वन, एक्टिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ अलोंग विद पैसिव एलिमेंट। कह रहा है एक्टिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक या एक से अधिक ईएमएफ सोर्स होगा, मींस ईएमएफ सोर्स होगा, मींस वोल्टेज होगा, एक से अधिक, एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके साथ पैसिव एलिमेंट होगा। जैसे कि ये देखिए सर्किट में, ये क्या इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव नेटवर्क हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज है और आपका रेसिस्टर लगा हुआ है, दो रेसिस्टर है, तो एक ईएमएफ सोर्स है और उसके साथ क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स है, पैसिव एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है नोड। नोड किसको बोलेंगे? तो कह रहा है नोड इज दैट पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, सॉरी नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। कह रहा है नोड इज ए पॉइंट, देखिए ये एक सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें इसको क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नोड। कह रहा है नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट, कोई भी सर्किट में नोड क्या होता है, पॉइंट होता है जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है कनेक्ट होता है। देखिए ये नोड है, इसमें एक एलिमेंट इधर से कनेक्ट हो रहा है, एक इधर से कनेक्ट हो रहा है, इधर से कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नोड। पॉइंट सी क्या है, नोड है। पॉइंट बी क्या है, नोड है। पॉइंट डी क्या है, नोड है। नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट, सर्किट में एक पॉइंट होता है जहां दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जो है कनेक्ट होता है, इधर से एलिमेंट कनेक्ट होगा, इधर से कनेक्ट है। नेक्स्ट है ब्रांच। तो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच इज दैट पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, नेटवर्क का वो हिस्सा होता है विच लाइज बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में जो है ब्रांच लाइ करता है, दो नोड के बीच में जो है ब्रांच लाइ करता है। तो देखिए ये जो है नोड है, ये भी नोड है, इसके बीच में जो है इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे, शाखा। ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में जो है इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लूप। लूप किसको बोलेंगे, लूप इज ए क्लोज पाथ इन ए सर्किट, कोई भी सर्किट जो है उसमें क्लोज पाथ होता है लूप, ठीक है। इन विच नो एलिमेंट ऑफ नोड इज इनकाउंटर्ड मोर देन वन, जहां पे क्या होगा, कोई भी नोड का जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा बार इनकाउंटर नहीं होगा। जैसे कि इस सर्किट में देखिए तो ए बी सी डी ई एफ ए, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया, ठीक है, जहां पे कोई भी एलिमेंट जो है एक से ज्यादा बार इनकाउंटर नहीं हो रहा, मीन्स नहीं आ रहा है एक से ज्यादा बार। फिर सी डी ई एफ सी, ये एक लूप हो गया, और ए बी सी एफ ए, ये एक लूप हो गया। तो तीन लूप हो गया इस सर्किट में, एक लूप हो गया ये वाला, एक लूप हो गया ये, और एक लूप हो गया ये, तो तीन लूप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेस। तो मेस किसको बोलेंगे, इट इज ए लूप। मेस क्या होता है, मेस जो है लूप होता है, मेस क्या होता है, लूप होता है, मेस इज ए लूप दैट कंटेन्स नो अदर लूप विद इन इट, जिसके अंदर में जो है अदर लूप नहीं होगा। मेस क्या है, एक तरह का लूप है जिसके अंदर में अदर लूप नहीं होगा। तो देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, मेस है, ये क्या है, मेस है, लेकिन ये जो है लूप है, इसको मेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो लूप है इसके अंदर में दो लूप ऑलरेडी है। तो मेस इज ए लूप, मेस लूप होता है जिसके अंदर में कोई भी लूप नहीं होता है। तो ये लूप है जिसको हम लोग मेस बोलेंगे, ये भी लूप है जिसको हम लोग मेस बोलेंगे, लेकिन इस लूप को हम लोग मेस नहीं बोलेंगे। तो जो भी मेस होगा वो लूप होगा, लेकिन जो लूप होगा वो जरूरी नहीं है कि मेस होगा। जैसे देखिए ये मेस है तो इसको हम लोग लूप भी बोल सकते हैं, ये मेस है तो इसको लूप बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है इसको हम लोग मेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लूप है, इसके अंदर में दो लूप ऑलरेडी है। तो जितना भी मेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, लेकिन सभी लूप को मेस नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ए, ये वाला जो है लूप है, सी डी सी डी ई एफ सी, ये भी लूप है, ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, ये भी लूप है, ठीक है। अब लूप जो है तीनों लूप है, इसमें से मेस किसको किसको बोलेंगे, तो एक मेस ये होगा, एक मेस ये होगा, और ये वाला मेस नहीं है। तो ए बी सी डी ई एफ ए, इसको हम लोग मेस नहीं बोलेंगे, ये मेस नहीं है, मेस इसको नहीं बोलेंगे।
और सी डी ई एफ सी, ये लूप मेस हो गया और ये मेस हो गया, तो ये दोनों मेस है और ये जो है लूप, तो जितना भी मेस होगा उसको हम लोग लूप बोल सकते हैं, लेकिन सभी लूप को मेस नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि ये लूप है तो इसको मेस बोलेंगे, ये लूप है तो इसको मेस बोलेंगे, लेकिन इस लूप को हम लोग मेस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल मेसेस आर लूप, जितना भी मेस होगा उसको हम लोग लूप बोलेंगे, बट ऑल लूप्स आर नॉट मेसेस, बट लेकिन जितना भी लूप होगा उसको हम लोग मेस नहीं बोल सकते हैं। सभी मेस को हम लोग लूप बोलेंगे, लेकिन सभी लूप को मेस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखे सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, पैरामीटर्स, लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट, बाइलेटरल सर्किट, यूनिलेटरल सर्किट, नोड, ब्रांच, मेस, लूप, तो ये सब चीज को हम लोग पढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।